अजय सिंधी है और मैं ब्यावर राजस्थान से आया हूँ। मेरा बच्चा है जो कि अभी 15 साल का हो गया है, परंतु सुन नहीं पाता था, सुन नहीं पावे तो बोल नहीं पाता था। उस वजह से बहुत जगह गए, बहुत ट्रीटमेंट लिया, परंतु कोई रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि ये जन्म से ही सुन नहीं पा रहा था। इस वजह से सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा और बोल नहीं पा रहा था। आज हम 3 दिन पहले हमने इंडिया न्यूज़ पे एक बार देखी, उस पर नंबर लिए थे, उस नंबर से हमने कॉन्टेक्ट किया तो यहाँ से बताया कि आप एक बार बच्चे को लाओ। हम यहाँ पर लाए आज और वास्तव में हमें महसूस हुआ कि बच्चे को 3 घंटे का ट्रीटमेंट दिया, उस 3 घंटे के ट्रीटमेंट में बच्चे को सुनाई देने लगा। हम ये नहीं कह सकते कि अभी हतवात बात कर रहा है, परंतु कुछ सुनाई देने लगा। 10% तो लाभ मिला ही है, 10% मिला तो 100 भी होगा, ये आशा करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है प्यारे लाल, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। एक्चुअली हमारा बेटा है संजू, उसका बाय बर्थ हेयरिंग स्पीच प्रॉब्लम है, इज हेयरिंग लॉस। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करी है रिगार्डिंग हेयरिंग लॉस। तो हमें जो कमेंट्स हमने जो देखे हैं उसके हिसाब से हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी हम चले जाते हैं, देखेंगे। बच्चे की लाइफ से बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं। तो हम कल दिल्ली यहाँ आ गए हैं, तो आज हम यहाँ पे डेथ क्योर सेंटर हैं। तो अभी आज फर्स्ट हमारा ये कोर्स यहाँ पे चल रहा था और इनका जो है ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट फॉर 3 मंथ्स। तो आज जो हमें फील हुआ, अभी बच्चा जो नहीं सुन पा रहा था कोई चीज़ विदाउट यूजिंग द हेयरिंग एड, तो अभी कुछ टाइम पहले से उनका हेयरिंग एड निकाला गया है। और थोड़ा सा जो फीलिंग आ रही है कि देखिए हर एक चीज़ जो है जो 24 ईयर्स से इसके साथ हो रही है तो वो एकदम खत्म होने वाली तो है नहीं, उसका प्रॉपर 100% क्योर तो हो नहीं सकता है 3 मंथ्स का है। लेकिन फर्स्ट फीलिंग तो यह है कि जो इसने बिना मशीन के रेस्पॉन्स दिया है उसको मद्देनजर रखकर हमें पूरा विश्वास है कि जो 3 मंथ्स का कोर्स है होपफुली काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। इसको स्पीच थेरेपी कराना है, बिकॉज हेयरिंग एंड स्पीच जो है वो इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं दोनों। तो हेयरिंग का जब मशीन से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो स्पीच का हो जाएगा थेरेपी से। हमारे बच्चे की लाइफ जो स्टैंड हो रही है, होने जा रही है, तो उसके लिए हमें जो है उम्मीद यह है कि आगे जो भी 2-3 महीने का फिलहाल अभी भी इनिशियल ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।